देखिए राशिद लेफ्टी सामना करेंगे, लाहौर से बॉलर शॉट किया, मिलेंगे चार रन। और अंपायर का इशारा वाइड बॉल, चौथा बॉल करने के लिए आए, अंपायर को क्रॉस किया और एक्सीलेंट शॉट। आखिरी बॉल राशिद लेफ्टी ऑन फायर, लाहौर से आई टीम की, और बोल्ड कर दिया, बोल्ड एम, और हाथ से भी इशारा किया कि वो है पवेलियन का रास्ता। लाहौर लाइन्स के बॉलर असद आए हैं दूसरा ओवर करने के लिए, पहले ओवर में 12 रन लगे थे और शॉट किया उमर भट्ट ने, मिलेंगे एक रन। असद आए दूसरा बॉल करने के, सामना करेंगे सनी, और सनी ने किया लॉन्ग सिक्स, एक्सीलेंट शॉट सनी की जानब से, 600 के स्ट्राइक रेट से पहली बॉल पर 6 नंबर 1 सनी की जानब से। तीसरा बॉल और फिर शॉट करना चाह रहे थे लेकिन 2 रन। चौथा बॉल और इनसाइड एच हुआ, बॉल हुआ डॉट, असद आए और एक्सीलेंट एक्सीलेंट बॉलिंग, वेल बॉलिंग असद की जानब से, लाहौर लाइन्स की नुमाइंदगी करते हुए असद, चूंकि अंबर सदू से आई टीम कसूर के आसफ मेमोरियल क्रिकेट क्लब से पहला मैच इस वक्त जारी, तारीखी ग्राउंड धोबी ग्राउंड में इस वक्त मैच जारी। फिर से गेम और इनसाइड एच, मिलेंगे मुजाहिद लेफ्टी तीसरा ओवर करने के लिए अपनी टीम का आए हैं, पहले ओवर में इन्हें 12 रन लगे थे और भागे बॉल करने के लिए, अंपायर को क्रॉस किया और अंपायर का इशारा वाइड बॉल, पहली वाइड के बाद पहली बॉल और फिर दूसरा बॉल वाइड, मुजाहिद लेफ्टी बिल्कुल तैयार बॉलिंग के लिए और अंपायर का इशारा फिर से वाइड बॉल, 3 वाइड्स के बाद फिर से गेम ऑन। सनी सामना करेंगे और मिस हुए, सामना करेंगे फखरे कसूर उमर भट्ट, मुजाहिद लेफ्टी का बिल्कुल तैयार, देखते हैं किस बॉल पर 6। जिस तरह से इब्रार छोटू इधर बता रहे थे कि इस बॉल पर उन्हें लगता है कि 6 लगेगा, वही हुआ, 1 छक्के के बाद 6 नंबर 2 के बाद अब मुजाहिद लेफ्टी भागे और फिर से किया 6 नंबर 3 के बाद, पांचवी बॉल बिल्कुल तैयार अंपायर को क्रॉस करने के लिए और फिर से वाइड बॉल, और अंपायर का इशारा नो बॉल। असद आए हैं और अंपायर का इशारा वाइड बॉल, तैयब सामना करेंगे असद का, शॉट किया ग्राउंड शॉट, मिलेंगे 1 रन। दूसरा बॉल फेस करेंगे सनी और शॉट किया, मिलेंगे 1 रन। तीसरा बॉल फिर सामना करेंगे तैयब और शॉट किया, मिलेंगे 2 रन। और अंपायर का इशारा वाइड बॉल, फिर से गेम शुरू और एक्सीलेंट बॉलिंग असद की जानब से, बहुत पेस में बॉलिंग करते हुए
और फिर से अंपायर का इशारा, नो बॉल, यार बॉल है यार। लेकिन वापस लेते हुए नो बॉल, और अंपायर का इशारा वाइड बॉल, और अंपायर का इशारा नो बॉल। मैं इजाज इस वक्त अंपायरी शॉट, गेंद हवा में, फील्डर बॉल के नीचे, कैच ड्रॉप, फॉर एक्सीलेंट बॉलिंग। अलमास का सामना करेंगे तैयब, और वाइट बॉल, अलमास आए बॉल के लिए, और एक्सीलेंट बॉलिंग, वेलकम बैक किया वाइट के बाद, और वाइट बॉल, और इसके साथ अब मुसलसल बीट होते हुए तैयब अपने शॉट्स पर बहुत ही ज्यादा ना खुश। और फिर बीट हुए अलमास इस वक्त नापी तोली बॉलिंग करते हुए, आखिरी बॉल का सामना करेंगे सनी, शॉट किया और जाएगा सीधा 100 मीटर लंबा सिक्स। पहली बॉल पर हुआ सिंगल, तो ये भाई हैं बॉलिंग पर, और एक्सीलेंट बॉलिंग। दूसरी बॉल सामना करेंगे असद, शॉट किया, मिलेगा लॉन्ग सिक्स। चौथा बॉल करने के लिए आए तैयब, और दूसरा सिक्स, शाबाश शाबाश। चौथा बॉल वाइड बॉल, तीसरा सिक्स नंबर थ्री असद की जानब से, लगातार 3 सिक्स, और सिक्स नंबर 4 कासम का सामना करेंगे अलमास लेफ्टी, और कासम की जानब से पहला बॉल वाइट, अलमास लेफ्टी सामना करेंगे कासम लेफ्टी का शॉट, मिलेंगे ग्राउंड शॉट किया था 1 रन। असद सामना करेंगे कासम लेफ्टी का, शॉट किया, फिर से गेम ऑन, कासम आए और वन स्लो स्लो वन किया, और अलमास लेफ्टी हुए मिस, फिर से गेम ऑन, शॉट किया, तारों से बॉल टकरा गई, और फील्डिंग भी मिस आजी मुस्तफा की जानब से। सेवेंटी वन रन का टारगेट लाहौर लाइन चेस करते हुए अभी तक 39 रन हो चुके थे, लेकिन तीसरे ओवर की पहली बॉल पर सिक्स हाजी मुसवा के खाते में। दूसरा बॉल के सामना करेंगे अलमास लेफ्टी, तीसरा बॉल करने के लिए शॉट किया, जाएगी फील्डर के पास, लेकिन मिलेंगे 1 रन। गेंद हवा में और कैच, हम आपको दिखाएं कि ये देखें मैच देखने के लिए आवाम का रश, ये देखें चौथा बॉल सामना करेंगे असद, गेंद हवा में,
और कैच, जाना पड़ेगा असद को भी, दो बॉलों पर 2 सिक्स, मैच में वापसी, दो बॉलों पर 2 विकेट, हाजी मुस्तफा अपनी टीम को मैच में वापसी लाते हुए। आखिरी बॉल के लिए हाजी मुस्तफा, और बहुत ही पेस में बॉल किया, वेल बॉलिंग, 2 ओवर में 24 रन, 12 बॉल 24 रन। कासम आए हैं, कासम लेफ्टी, गेंद हवा में, एक्सीलेंट बॉलिंग कासम की जानिब से, मैं रिजाज इस वक्त बॉलिंग को फील्डिंग मिस, इन मौकों पर फील्डिंग मिस करना खतरे से खाली नहीं। 10 बॉल 20 रन, शॉट किया और आउट कर दिया, मैच में वापसी। हाजी मुस्तफा के ओवर ने टीम को वापसी मैच में, और इसी तरह कासम भी एफर्ट करते हुए जान, फुल जान से बॉलिंग करते हुए। कसूर वाजिद लाहौर का कांटेदार मुकाबला, अपना चौथा बॉल करने के लिए कासम भागे, अंपायर को क्रॉस किया और स्लो वन किया, देखते हैं कि सनी भाई कैच पकड़ पाते हैं कि नहीं, और कैच आउट। 4 बॉलों पर अभी तक 5 रन लगे हैं कासम को, 4 बॉल 4 रन अभी तक, और शॉट किया, वन शॉट किया, लेकिन नहीं छोड़ेंगे, बहुत ही इजीली खड़े खड़े सिक्स कर दिया। आखिरी बॉल शॉट किया, आखिरी ओवर में 13 रन, श्राम बिला, एक्सीलेंट बॉलिंग, दूसरी बॉल के लिए श्राम बिला भागे, एक्सीलेंट फील्डिंग, मैच में इस वक्त भरपूर जान डालते हुए श्राम बिला, 3 बॉले अभी भी 13 रन बाकी, शॉट किया, दो बॉल अभी भी 11 रन बाकी, ये बॉल मैच बॉल साबित हो सकता है, लेट्स गो, और एक्सीलेंट बॉलिंग, और मैच विन, आसम मेमोरियल क्रिकेट क्लब।